हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लाइटरूम ऐप की मदद से आप डार्क ब्लू एंड ब्राउन टोन फोटो एडिट कैसे करें, वो भी बहुत ही साधारण तरीके से। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे चले आना होगा अपनी गैलरी में। आपको यहाँ पे अपनी फोटो के यहाँ पे शेयर वाला आइकन पे चला के आपकी फोटो को यहाँ पे लाइटरूम ऐप में शेयर कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे ही आपकी फोटो यहाँ पे लाइटरूम ऐप में आ जाती है, आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको नीचे की साइड आपको यहाँ पे ढेर सारे टूल्स दिखाई दे जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे एडिट वाले टूल्स पे क्लिक कर लेना होगा। देन आपको इतना करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी टूल्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। इन्हीं टूल्स की मदद से हम यहाँ पे आपको फ्री फोटो एडिट करना सिखाने वाले हैं। तो सब फर्स्ट स्टेप में आपको करना होगा गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे लाइट्स वाले आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पर एक बार टच करते हैं, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है इसको करना होगा +25। देन इसकी जो देख सकते हैं हाईलाइट्स, हाईलाइट्स को क्या करना होगा, आपको करना होगा -60 कर लेंगे। सो गाइस, जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है आपको क्या करना होगा, इसकी जो शेडोज है शेडोज को आपको चले आना होगा। शेडोज पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, +52 कर लेंगे इसके शेडोज को। देन इसकी जो नीचे की साइड व्हाइटनेस देख सकते हैं, इसको क्या करना होगा, +32 कर लेंगे। जैसे गाइस इतना कंप्लीट हो जाता है, आपको यहाँ पे नीचे साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लैक्स का। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इसके ब्लैक्स को आपको -50 कर लेंगे। ओवरऑल आपको गाइस यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेप को नहीं देखते हैं तो आप कभी भी फोटो एडिट करना नहीं सीख पाएंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप की ओर। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको कलर वाले आइकन पे एक बार टच कर लेना होगा। जैसे गाइस आप इस पर टच करते हैं, आपको यहाँ पे ऊपर साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे टिंट टेम्परेचर एंड टिंट का। इन्हीं की मदद से आपको यहाँ पे कलर को एडजस्ट करना बताएंगे। सबसे पहले आपको गाइस करना क्या होगा, इसकी जो टेम्परेचर है इसको +30 कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे इतना हो जाने के बाद इसकी जो टिंट है इसको भी कर लेंगे +15। सो गाइस जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है आपको करना क्या होगा, आपकी बार इसकी वाइब्रेंस पे चले आएंगे, वाइब्रेंस को कर लेंगे +30। सो गाइस इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो कैसी थी, देन आफ्टर हमारी फोटो कैसे हो गई है। सो गाइस जैसे इतना कंप्लीट हो जाए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको ऊपर साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा इसी में यहाँ पे मिक्स वाला, सिंपली आपको इस पर एक बार टच करके यहाँ पे इसको पे चले जाना होगा। सो गाइस जैसे आपको यहाँ पे मिक्स पे चले जाते हैं, आपको यहाँ पे ढेर सारे कलर्स मिल जाएंगे। इन्हीं कलर्स की मदद से हम यहाँ पे ट्यूनिंग करना बताएंगे यहाँ पे कलर्स को। तो सबसे पहले गाइस आपको कौन से कलर पे चले आना होगा, सबसे पहले येलो कलर पे चले आएंगे। सो गाइस येलो कलर पे आने के बाद क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इसकी जो सैचुरेशन है इसको कर लेना होगा -75। सो गाइस जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है, इसकी जो ल्यूमिनेंस है देख सकते हैं, इसको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे -42 कर लेंगे। सो गाइस जैसे इतना कंप्लीट होता है आपको करना क्या होगा, आपकी बार यहाँ पे चले जाना होगा यहाँ पे ब्लू कलर पे। ब्लू कलर पे आने के बाद गाइस करना क्या होगा, आपको यहाँ पे इसकी जो सैचुरेशन है इसको कर लेंगे -100। देन इसकी जो ह्यू है इसको भी कर लेंगे -100। सो गाइस जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है आपको आपकी बार करना क्या होगा, यहाँ पे आपको स्काई कलर पे चले जाना होगा एक्वा वाले पे। देन इस पे आने के बाद इसकी सैचुरेशन को भी -100 कर लेंगे। इतना करने के बाद गाइस आपको ग्रीन कलर पे चले जाना होगा, इसकी सैचुरेशन को आपको क्या करना होगा, -100 कर लेंगे। देन इसकी जो ल्यूमिनेंस है ल्यूमिनेंस को क्या करना होगा, -52 कर लेंगे। सो गाइस ओवरऑल इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ग्रीन कलर की जो ह्यू है ह्यू को भी -100 कर लेंगे। सो गाइस जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है आपको क्या करना होगा, ऑरेंज कलर पे सिंपली चले आना होगा। ऑरेंज कलर पे आने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, इसकी सैचुरेशन को -28 कर लेंगे। सो गाइस जैसे आप इतना करते हैं आपको इसकी ल्यूमिनेंस पे चले आना होगा। ल्यूमिनेंस को क्या करेंगे गाइस, आपको इसको कर लेना होगा +30 कर लेंगे। सो गाइस जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है आपको आपकी बार करना क्या होगा, रेड कलर पे चले आना होगा। रेड कलर पे आने के बाद गाइस करना क्या होगा, इसकी सैचुरेशन को क्या करेंगे, +55 कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे 55 होने जाने के बाद आपको आपकी बार करना क्या होगा, यहाँ पे आपको नीचे डन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ग्रेडिंग वाला, सिंपली आपको यूं करके एक बार टच कर लेना होगा इस पर। सो गाइस जैसे आप इस पर टच करते हैं आपको क्या करना होगा, इसके हाईलाइट्स पे चले आएंगे। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक कर लेंगे, एरो पे क्लिक करने के बाद क्या करना होगा, इसकी ह्यूई को क्या करेंगे, +222 कर लेंगे, मीन्स इसका 222 कर लेंगे। सो गाइस जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है, इतना हो जाने के बाद इसकी सैचुरेशन को क्या कर लेंगे, +48 कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे हमारे यहाँ पे हो चुका है कलर वाला जो भी काम था। देन आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको इसको कर लेना होगा ऊपर से डन। सो गाइस जैसे डन करते हैं आपको क्या करना होगा, आपको अपनी फोटो के यहाँ पे फुल क्वालिटी का बनाना होगा। फुल क्वालिटी का बनाने के लिए इस इफेक्ट्स पे सिंपली चले जाएंगे, इसके टेक्सचर को +32 कर देंगे। जैसे गाइस इतना कंप्लीट होता है आपको क्या करना होगा, इसकी जो क्लैरिटी है इसको -15 कर लेंगे। इतना करने के बाद इसकी डीएनएस को भी आपको क्या करना होगा, +12 कर लेंगे। सो गाइस क्या करना होगा, विग्नेट पे चले आना होगा। विग्नेट पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, इसके विग्नेट के अमाउंट को -40 कर लेंगे। देन इसके इतना हो जाने के बाद आपको क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट पे चले जाना है, मिड पॉइंट को -40 कर लेंगे।
अब आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पे इसको कर लेना होगा डन। डन करने के बाद सिंपली आपको डिटेल्स पे एक बार यूं करके टच कर लेना होगा। जैसे टच करेंगे आपके यहाँ पे शार्पनिंग नॉइस एंड कलर नॉइस मिल जाएगा। सबसे पहले शार्पनिंग पे चले आएंगे, इसके अमाउंट को प्लस 30 कर लेंगे। सो गाइस जैसे इतना कंप्लीट होता है आपको क्या करना होगा, इसकी जो मास्किंग है मास्किंग को क्या करेंगे प्लस 46 कर लेंगे। सो गाइस जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है आपको क्या करना होगा, नीचे की साइड आपको यहाँ पे सॉरी साइड में आपको यहाँ पे नॉइस रिडक्शन मिल जाएगा। नॉइस रिडक्शन के अमाउंट को प्लस 30 कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली चले आना होगा यहाँ पे कलर नॉइस रिडक्शन पे। कलर नॉइस रिडक्शन पे आने के बाद प्लस 25 कर लेंगे इसके अमाउंट को। फिर इतना हो जाने के बाद गाइस करना क्या होगा, इसकी स्मूथनेस को क्या करना होगा प्लस 90 कर लेंगे। सो गाइस जैसे इतना कंप्लीट कर लेते हैं आप लोग, आपको सिंपली चले आना होगा इसकी मास्किंग पे। अब यहाँ पे आपको एक मास्किंग का ऑप्शन दिखाई देगा सर्कल कर का, सिंपली आपको इस पर एक बार टच कर लेना होगा। यूं करके जैसे आप टच करेंगे गाइज आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख जाएगा, सिंपली आपको इस पर टच कर लेना होगा। सो गाइज जैसे इस पर टच करते हैं आपको क्या करना होगा, नीचे की साइड आपको यहाँ पे कलर रेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको एक बार इस पर क्लिक करके कर लेना होगा। करने के बाद गाइज क्या करना होगा, इसको आपको अपने अपने स्काई पे यहाँ पे लेके जाना होगा। सो जैसे आप यहाँ पे स्काई पे लेके जा रहे हैं, आपको भी ऐसे इसको स्काई पे अपने लेके जाना होगा। सो गाइस जैसे आप लोग इसको स्काई पे लेके जाते हैं, आपको करना क्या होगा, रिफाइन को क्या कर लेंगे प्लस 33 कर लेंगे। सो गाइस जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है आपको करना क्या होगा, अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे इसको अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे इस पे कलर पे चले आना होगा। सो गाइस जैसे आप लोग इस पे कलर पे आते हैं, कलर पे आने के बाद करना क्या होगा, इसके कलर पिकर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सर्कल जो बना है कलर पिकर को सिलेक्ट करने के बाद इसको एज पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे एज पे ले जाने पर आप लोग देख सकते हैं इसको यहाँ पे ब्लू पे हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, यूवी की 195 हो जाएगी। देन इसकी जो सेचुरेशन है, सेचुरेशन को आपको क्या करना होगा फुल कर लेंगे। सो गाइस इतना जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको इसको कर लेना होगा डन। डन करने के बाद गाइस आपको देख सकते हैं इससे क्या हुआ, आपका स्काई जो है यहाँ पे पूरा की तरह के एक्वा कलर का हो चुका है। सो आप लोग देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो कैसी थी, देन आफ्टर हमारी एडिट होने के बाद फोटो कैसी है। सो गाइस आपको यहाँ पे सेव करने के सिंपली आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा शेयर वाला, शेयर पे जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे सेव कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक करके अपनी फोटो यहाँ पे फुल क्वालिटी में सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। सो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आपके कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू, टाटा एंड बाय बाय।